ताजा मछली खाने की। एक लोग की माछ दादा बता बता। अच्छा पतंगरी 120 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग बर्ड। आज ये देखिए हम लोग आए हैं गालूडी बराज और यहाँ पे अभी फिलहाल मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। वो देखिए उधर अभी अभी उन लोगों ने मछली पकड़ा, उधर चल के देखते हैं। पानी बहुत ज़बरदस्त उफान पे है। कहाँ है मछली? अच्छा, मछली पकड़ने के लिए देखिए ये लोग रेलिंग में चढ़ के फिर मछली पकड़ रहे हैं, एकदम जान जोखिम में डाल के। ओ देखिए वो देखिए वो देखिए वो देखिए देखो मछली हाथ में नहीं आ रही है बिल्कुल से। वो देखिए उस तरफ में वो लोग भी पकड़ रहे हैं, बाकायदा इन लोगों ने बांध के रख दिया है जब आए मछली। देखिए कैसा उफान है पानी का। देखो ना वो लोग बीच नदी में खड़ा है। वो लोग वहाँ पे भी लेकिन पानी बहुत होगा। नहीं नहीं उतना ही पानी है, खड़ा उतना ही वो तो अभी अभी ये देखिए इन लोगों को। अच्छा 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 ये अभी खींच रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे भी देखिए ये भी खींच रहे हैं और उधर वो लोग भी। उनके जाल में शायद मछली नहीं फंसा है। नहीं फंसा है, फंसा है। फिर से उन्होंने फेंका। आगे देखते हैं, बस यहीं तक ही ये लोग मछली पकड़ रहे हैं और आगे कोई और नहीं है। देखिए इस तरीके से रेलिंग में चढ़ के ये लोग मछली पकड़ रहे हैं। ये देखिए मछली रोड पे। नदी में देखिए उस तरफ में भी लोग अपने जान को जोखिम में डाल के पकड़ रहे हैं। देखिए वहाँ भी, यहाँ पे उफान तेज है तभी तो इतना मछली हाथ में आ रहा है ना। इन लोगों को देखिए जरा सा, जान को जोखिम में डाल के ये लोग मछली पकड़ रहे हैं। ये जितने भी मछुआरे हैं ना, ये यहाँ से सीधा भी बेचते हैं। आपने देखा भी, हमने एक से पूछा तो उन्होंने कहा कि 120 रुपये किलो, तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, और वरना ये लोग यहाँ से मार्केट ले जाते हैं और फिर वहाँ पर बेचते हैं। हमारे दोनों ही तरफ देखिए मछुआरे भरे पड़े हैं एकदम से, बहुत मछली हाथ लग रही है इनके। ये देखिए डैम यहाँ से कैसा दिख रहा है। मुझे लगता है दो फाटक के गेट खोले गए हैं तभी इतना ज़्यादा उफान है उस तरफ। और नदी भी देखिए पूरी उफनाई हुई है, पेड़ डूब गया है आधा देखिए। जबकि यहाँ पे हम लोग इससे पहले भी आए हैं, जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा और जितने नए व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे टच करके देख सकते हैं। ये जब सूखा हुआ रहता है ना ये नदी, तो यहाँ पे आराम से कोई चल सकता है। हालांकि चलने में बहुत ही घिन लगेगा क्योंकि बहुत गंदगी फैला हुआ रहता है इधर। और अभी जब उफनाई हुई है तब तो चलने का क्या, यहाँ पे तैरने का भी कोई सवाल नहीं बनता है जब तक कि नहीं आपको बहुत अच्छे से तैरना आए। लेकिन हाँ ये मौसम मछुआरों का पीक पॉइंट होता है, इसी समय वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं मछलियाँ पकड़ पकड़ के, क्योंकि इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ वो पकड़ सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़बरदस्त मुनाफा होता है। तो इसलिए इस वक्त आप किसी भी वाटर बॉडी के आसपास अगर जाओगे ना, चाहे वो बराज हो या फिर तालाब हो, लेक हो या फिर नदी हो, वहाँ हर जगह, समुद्र में भी, इनफैक्ट समुद्र में तो ऐसे भी हर वक्त ही आपको दिखेंगे मछुआरे, लेकिन इस वक्त में खासकर बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहता है मछुआरों का हर वाटर बॉडीज़ के किनारे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे और इसके बाद फिर वापस। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए व्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।